मंगलयान है, ये 5 नवंबर 2013 को PSLV द्वारा C-25 द्वारा इसको छोड़ा गया था सर। ये वर्किंग मॉडल है सर। ये सोलर प्लेट है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। ये ऊपर आ जाएगा अब, और ये एंटीना है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। ये अब नीचे जा रहा है। ये मंगल ग्रह, मतलब मंगल ग्रह पर लैंड नहीं किया है, ये बस उसके चारों तरफ उसकी परिक्रमा करके उसके चारों तरफ का इंफॉर्मेशन एकत्रित करके इसरो को सेंड करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। मेरा नाम तृप्ति मिश्रा है और मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने ये बनाया कि जब नालियों का जो गंदा पानी होता है वो उसको एक गड्ढे में लाकर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मतलब पाइप पंप के द्वारा चैम्बर में भेजा जाता है। उसके बाद से रिसीविंग चैम्बर में भेजने के बाद से स्क्रीनिंग चैम्बर में भेजते हैं, और जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं पानी के, जैसे प्लास्टिक हुआ और बॉटल्स के हुए, वो सब छान कर अलग कर लिए जाते हैं। फिर इसको ग्रिट चैम्बर में भेजा जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं उसको छाट कर अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसको हम लोग स्किमिंग चैम्बर में बेचते हैं, जहाँ से जो तेल होता है उसको छाट कर अलग कर लिया जाता है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज में बेचते हैं, जहाँ पर जो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एकदम धूल के समान के, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसको सेकेंडरी में बेचते हैं, जहाँ पे जिसमें वायु मिलाया जाता है और क्या कहते हैं जीवाणु मिलाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो जल में उपस्थित जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, और जल का दुर्गंध जो है वो समाप्त हो जाता है। और लास्ट में हम लोग फाइनल ट्रीटमेंट स्टेज में भेजते हैं, जहाँ पर क्लोरीन गैस डाली जाती है और क्या कहते हैं जिससे वो बैक्टीरिया जो है उसके खत्म हो जाते हैं। और इसका यूज हम लोग टर्बाइन पर गिरा कर उसको रोटेट करने के लिए, और उसके बाद से उसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, फिर उसके बाद नया लाइट जला दी जाती है। नाम जानवी पांडे है, मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से हूँ। हमारा मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट पे है, जिसमें राइस स्ट्रॉ वेस्ट का मैनेजमेंट किया जा रहा है, जिसमें मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पानी डाल करके इसको मिक्स किया जाएगा। ये धान का भूसी या बरान है, इसको स्टोर टैंक में भेजा जाता है, जहाँ इसका 45 से 50 दिन में फर्मेंटेशन होता है। उससे निकली गैसेस गैस टैंक में जाती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैस होती है। इसमें हम मेथेन एथेन को अलग से अलग चैम्बर में सेपरेट करके उसमें प्रोपेन ब्यूटेन और सारी गैसें मिला करके हम इसे LPG बनाते हैं और LPG टैंक में भेजते हैं, जहाँ से हमारे घर के यूज़ के लिए LPG मिलता है। फिर जो गैसेस बच जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें, उन्हें हम टर्माइन में भेजते हैं, जहाँ पहले से पानी होता है, जहाँ हम ऊर्जा दे करके उसे बॉइल करते हैं, मतलब खोलते हैं, जिससे भाप निकलता है। भाप निकलने से हमारी टर्माइन रोटेट करती है, जिससे जो यांत्रिक ऊर्जा पे कार्य करती है, हमारे पास वैद्युत मोटर लगा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। ये जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बूढ़े लोग जिसको चलने में प्रॉब्लम होता है, तो इस पर बैठ के मोबाइल से या ब्लूटूथ वॉइस से या रिमोट से कंट्रोल करके इसे चल सकते हैं। माय नेम इज विश्वजीत मौर्य, हम इंटरमीडिएट कॉलेज कुसमौर से हैं। हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और ये रदर जॉन डाल्टन है, ये परमाणु के सिद्धांत को बताते हैं। परमाणु से छोटा कोई सूक्ष्म कण नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए इनके इनके निष्कर्षों को फेल कर दिया। उसके बाद जे थॉमसन आए, जो अपने तरबूज मॉडल का तरबूज मॉडल दिए, और उसमें धनावेशित लाल भाग फैले होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो काले रंग के बीज होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पवन यादव, मारवाड़ इंटर कॉलेज। मेरा नाम साजन गुप्ता है, मारवाड़ स्कूल। कार वाइट गन, इसका उपयोग सर जैसे खेतों में हमारे गाय नील गाय और गाय चरती है, उन लोग को भगाने के लिए किया जाता है सर। इसका सिद्धांत सर यही है, जो बना है पाइप वाइप लगा है,
और लाइटर है सर, इसके पीछे सर आवाज करता है, उसके पीछे सर केमिस्ट्री है। हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो सर एसिटिलीन गैस निकलता है जो अत्यधिक गर्म होता है, उसको सर जब लाइटर से हम लोग चिंगारी देते हैं तो बहुत तेज आवाज करता है। बस यही सर इसका सिद्धांत है। मेरा नाम जानकी है, मैं वीर शिवाजींद्र कॉलेज सरारी गोरखपुर की हूँ और हम लोग बनाए हैं स्मार्ट रेलवे स्टेशन। सर मेरा नाम अमन कुमार है, हम वीर शिवाजींद्र कॉलेज सरारी गोरखपुर से आए हैं। सर यहाँ पर हम बनाए स्मार्ट रेलवे स्टेशन। सर जैसे कई बार हम रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो इस प्रॉब्लम को फेस किए कि जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं और दिव्यांगजन होते हैं और भारी सामान जो होता है उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, और कई बार देखें कि जो यात्री होते हैं अगर इमरजेंसी आ जाता है तो रेलवे लाइन पर उतर करके इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद क्या है, अगर उनका पैर फंस जाता है और बीच में ट्रेन आ गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। उस समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ पर ऑटोमेटिक वॉकिंग ब्रिज बनाए हैं। इससे क्या होगा कि पहले जब सर जैसे ही यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या ट्रेन आएगा तो पहले वॉकिंग ब्रिज पर बजर और रेड लाइट जलेगी, जो यहाँ पर यात्री होंगे वो सतर्क हो जाएंगे और उस ब्रिज से हट जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ट्रेन थोड़ा और आगे आता है उसके बाद क्या होगा, ये ब्रिज अपने आप अंदर चला जाएगा। सर अपने आप ये ब्रिज जो है अंदर चला जाएगा, उस पर ट्रेन निकल जाने के बाद ये ब्रिज अपने आप ये बाहर आ जाएगा जिससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगा। और सर यहाँ पर है ट्रैफिक विंड टरबाइन। जैसे भारत में अगर इसको हम हाईवे पर लगाते हैं तो जो गाड़ी चलने पर जो हवा पास होगा जिससे हवा से ये टरबाइन घूमेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसका उपयोग हम यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे जिससे गाड़ी को चार्ज करने का काम करेंगे। उसके बाद सर यहाँ पर रोड पर पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाएं जिससे जब गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो वो पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो प्रेस होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जिससे हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जलाने का काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने एक फायर फाइटिंग ड्रोन बनाया है। ये ड्रोन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आग लगने पर काम आता है। ये मुख्यतः फिजिक्स के तीन प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के एक प्रिंसिपल पर काम करता है। एरोडायनेमिक्स सर, हम लोग इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से बनाए हैं कि जो इसका एयर रेजिस्टेंस है वो कम से कम लगे ताकि ये कम से कम फोर्स में भी ये अपनी मूवमेंट कर सके। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये आग को बुझाएगा। आग को जलने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और एक स्पार्क की जरूरत होता है। अगर इसमें से कोई भी एक सब्सटेंस नहीं रहेगा तो आग नहीं जल पाएगा। इसमें हम ऑक्सीजन को हटाकर आग को बुझाएंगे। ये जो ड्रोन है ये एक ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंगुइशर नामक केमिकल को स्प्रे करता है। इसमें मुख्यतः इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट झाग के फॉर्म में रहता है जो आग पर एक प्रकार का कोटिंग कर देता है जिससे ऑक्सीजन का संपर्क आग के पास नहीं हो पाता और आग बुझ जाता है। मारो, ये कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। आज के मॉडर्न युग में जिस प्रकार हमारी बिल्डिंगें बन रही हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इस अगर उसमें कोई आपदा आ जाए तो ये उसके लिए सक्षम है। इसी कार्यकारी है, ये बिना किसी इंसानी जान को खतरे में डाले हुए ये कार्य करता है। ये मैं इसे गवर्नमेंट को समर्पित करना चाहता हूँ ताकि ये आगे भी कार्य कर सके। सर मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं राजकीय जूली इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर जैसा कि मेरा टॉपिक सेफ ग्राउंड वाटर एंड रिमूव नॉलेज फिनॉल फ्रॉम फूड चेन है। जैसा कि सर नॉलेज फिनॉल एक टॉक्सिक केमिकल है जो कि डिटर्जेंट में पाया जाता है, जो हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री है प्रतिदिन नॉलेज फिनॉल रिलीज करती है जो कि हमारे लिए हमारे एक्विटिक एनिमल और हमारे लिए हार्मफुल है। जैसा कि सर 2008 में बीज एफर्सन्स ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि नॉनिफिनॉल टॉक्सिक केमिकल है जो मानव जनजाति के लिए बहुत बड़ी खतरा है, जिसके वजह से यूरोप जैसे कंट्री में नॉनिफिनॉल बैन हो गया और उनके इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल में छपी रिपोर्ट के कारण
जैसे कि सर लॉन्ड्री इंडस्ट्री का पानी जो यूज करते हैं जो वेस्ट पानी है सर, अगर हम एक पानी में एक टैंक में रिस्टोर करें और उससे ट्रीट करें, जैसे सर ट्रीट करने का बहुत सारे तरीका है, जैसा कि सर ट्रीट करने के लिए बहुत तरीके हैं, जिसमें नैनो फिल्ट्रेशन, बायोफिल्म और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जिनमें से सर बायोफिल्म सबसे कम दाम में फिल्ट्रेशन करने के लिए तरीका है, जैसा कि सर बायोफिल्म, ये हमारी बैक्टीरिया है जो गामा बैक्टीरिया एंड एक्टिनो बैक्टीरिया और बीटा प्रोटो बैक्टीरिया, अगर सर इसका मिक्सर करके हम यूज करें, बायोफिल्म करें, सर नॉन इफिनॉल को 70-80% ये खा तोड़ सकते हैं या खा सकते हैं। भारत में ये इको नाम का डिटर्जेंट है जिसमें नॉन इल्फिनॉल के जगह अल्फा लैक्टेन यूज होता है, जो कि सर फिनॉल फ्री बायोडिग्रेडेबल होता है। सर मेरा दूसरा टॉपिक ग्राउंड वाटर है। जैसे सर मनरेगा पॉन्ड का मकसद ये है कि सर हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करें और पानी की बचत कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मॉडल है ये, नैरो इंटर कॉलेज सिपाहीपुर से, मतलब कि ये अर्थ पे इफेक्ट करता है, जब सूर्य का किरण हमारी पृथ्वी पर पड़ता है और ओजोन लेयर के कारण वो वापस नहीं जा पाता है, जिससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ ला देते हैं, और जो हमारे इस समय जो मतलब है वो पेड़ों को लोग काटते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाता है, वृद्धि होने लगता है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि हो जाएगा, जिसकी वजह से भी प्रदूषित हो जाएंगे, और जो इस समय जो खेतों में लोग धान जलाते हैं और प्लास्टिक जलाने से ओजोन गैस जो निकलते हैं वो भी वो हमारे इन्वायरमेंट पे जाके प्रदूषित करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया हैं उनके वजह से भी प्रदूषण होते हैं, उनके गैस जो निकलते हैं, और जो जल प्रदूषण, सब प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, प्रकाशिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होते हैं। सर मेरा नाम विशाल है और हम नीना थापा इंटर कॉलेज से आए हैं, और ये हमारा चंद्रयान मॉडल है जो कि अभी सक्सेसफुली रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसरो के थ्रू, और इसमें हम विक्रम लैंडर जो है बना के लाए हैं, और ये देखिए लाइव हमको दिखा रहे हैं आपको, और सर ये मून के सरफेस पे लैंड किया है रिसेंटली। यस सर 14 जुलाई 2023। जैसे सर ये एक उसके ऊपर विद्युत ऊर्जा के ऊपर है सर, जैसे ये हम लोग ये जो पवन चक्की है सर इस पे हम लोग लाइट करते हैं सर, और ये इसको हम लोग जैसे वर्किंग के लिए यूज है, ये वर्किंग है सर, ये वो है सर यूज करने के लिए सर, इस्तेमाल करने के लिए सर। पवन चक्की के पीछे तो डायमो मोटर है सर। ये जैसे ये डायमो मोटर है, पवन चक्की है, और ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर ये एक अपने कार्य के लिए है और एक ये यूज करने के लिए है। नीना थापा इंटर कॉलेज श्रित दुबे। हम लोग LPK इंटर कॉलेज बजिला सरदार नगर रोड के हैं, हमारा नाम हिमांशु पाले और उसका इंजीनियर शर्मा। उन्होंने स्मोक एब्जॉर्बर के बारे में बताएं। ये स्मोक एब्जॉर्बर है, इसमें दो पंखे लगे हुए हैं, ये इधर का पंखा उल्टा लगा हुआ है यहाँ का सीधा, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसों को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है और इसके रास्ते शुद्ध वायु बाहर निकालता है। इसका प्रयोग हम रसोई घर में, फैक्ट्रियों में आदि में प्रयोग कर सकते हैं। यस सर। मेरा नाम कृष्णा कुमार मिश्रा है, CIC इंटर कॉलेज पिपराइज गोरखपुर से आया है। पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन है, कम से कम खर्चे में ज्यादा बच्चों के लिए, जिससे कि जो गांव के बच्चे हैं वहां पे अभी प्रोजेक्टर की सहायता नहीं है, गांव के बच्चों को मतलब अच्छे से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, 3D पिक्चर दिखाने के लिए मतलब सहायता से
इसके साथ साथ सिखाया जाता है। मेरा नाम सचिन यादव है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और हमारा प्रोजेक्ट है वाटर सैनिटेशन। ये प्रोजेक्ट जो हमारे शहरों में बड़ी बड़ी टंकियों से जो पानी सप्लाई होते हैं, अगर ये प्रोजेक्ट हम वहाँ पर लगा दें तो हमें बताया गया कि वो पानी कितना गंदा है, कब से साफ किया जाए, ये सब जो निर्देश है वो दिया जाएगा, जिससे पानी हर घरों तक साफ पहुँचेगा, जिससे बीमारी कम होगी और लोगों की जान बचेगी। यही प्रोजेक्ट है हमारा। इस सब्जी का नाम है जब इस सेंसर को जब पानी में डालेंगे, इसे ऑन करेंगे तो नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर डिस्प्ले थोड़ा दिक्कत तो लिखेगा नहीं, लेकिन जब इसे हम गंदे पानी में डालेंगे तो यहाँ पर लिख देगा और अलार्म बाजने लगेगा, जिसमें पता चल जाए कि पानी गंदा हो गया, इसे साफ कर दिया जाए। इसमें आर्डिनो यूनो ब्रेक बोर्ड बैटरी और लाइट दोनों। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है, मैं रामदेव देवी कॉन्वेंट कॉलेज से आई हूं। सर, हम लोग का प्रोजेक्ट है कृषि प्रणाली पे, जो कृषि को किस प्रकार से बिना खर्च के और बिना कम लागत में किया जा सकता है। जैसे कि कृषि कई प्रकार से की जाती है, उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, फसल उत्पादन कई प्रकार से होता है, उसको किस प्रकार से एकत्रित करके किया जाए, जिसमें जैसे वो एक दूसरे के लिए उपयोगी हो जाए। जैसे कि मछलियों का वेस्ट, जो मछलियों को जिस पानी में पाला जाता है उस पानी को यूज, उसमें पानी में मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, उस पानी का यूज हम लोग कृषि करने में कर सकते हैं। और इसमें उगने वाले फसलों का यूज हम लोग वेस्ट के आय कमा सकते हैं, और इनसे निकलने वाले वेस्ट का यूज हम गाय के चारे के रूप में और उसका खाद बनाने के रूप में कर सकते हैं। और इसको फल फूल और शहद और उसके बाद अंडे मछली मांस को बेच के हम लोग आय कमा सकते हैं और इससे अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। एक ही जगह पे, इसीलिए तो इसका नाम है समन्वित कृषि प्रणाली। मैथ स्टेप्स लर्निंग वर्किंग मॉडल है और ये आयत अष्टभुज वर्ग त्रिभुज अर्धवृत्त समबाहु त्रिभुज वृत्त और सभी चीजें इसमें बना सकते हैं। और इसे देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है। ये आयत है, आयत किसको कहते हैं? आमने सामने भुजाएं समान हो, इसकी पूर्ण पेडिग्री हो। वर्ग क्या होता है? वर्ग चारों भुजाएं समान होती हैं और कोण भी। मेरे स्कूल का नाम राजकीय हाई स्कूल नौ पर कैंपियर गोरखपुर। मैं नवीकरणीय ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होने वाला है, इसी के प्रयोग में मैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके आज सोलर सिटी एंड ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग करके हम सोलर सिटी को चला रहे हैं। और ऑटोमोबाइल्स कार सोलर से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और इसी को चला रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं। ये देखिए कार चल रहा है और जब 2-3 दिन का धूप नहीं होगा तो हम बैटरी जब खत्म हो जाएगा तो हम CNG और पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कार चल रहा है। हम राजकीय स्कूल पत्रा भटाट गोरखपुर से हैं। हमारा बनाने का उद्देश्य सड़क दुर्घटना और रोधक है और हमने बनाया एक्सीडेंट को देखते हुए चालू हो। सर ये देखिए राइट साइड से जा रहा है तो नहीं कुछ हो रहा है, और जब रॉन्ग साइड से आएगा जाने का नहीं है, तो फिर इधर से यहाँ से बैक करके इधर से इस साइड से आप निकल सकते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे हमने देखा कई जगह टायर किलर लगे रहते हैं, तो टायर किलर दो पहिया वाहन वाले सब उठा के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का चांस नहीं। जय हिंद सर, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग कैसे पेड़ों की कटाई करते हैं, और इस प्रोजेक्ट में
मैं ये कहना आप लोग को ये निर्देश देना चाहती हूँ कि प्लीज पेड़ों को कम से कम काटें और ग्लोबल वार्मिंग का संरक्षण करें, ताकि हमारी पृथ्वी को हम माता मानते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया कि किस प्रकार दूषित हो रहा है हमारा वायु धुएं द्वारा, और यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह, पेड़ सूखे हुए, और हमारी पृथ्वी कितनी दुखी है जिस पृथ्वी को हम अपनी माता मानते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी खुशहाल है, यहाँ पे पेड़ों का इस्तेमाल और डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है, हट का प्रयोग किया जा रहा है, और सोलर पैनल के द्वारा लाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शीतल गुप्ता है। मेरा नाम अंजना कुमारी है। मेरे परियोजना का विषय वैकल्पिक ऊर्जा है, और इसका उप विषय है ग्रिड बिजली के उपयोग के बिना हम ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था कैसे करें। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था सूर्य के प्रकाश द्वारा सोलर पैनल में एकत्रित करके करते हैं। सोलर पैनल में सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो इससे वो उष्मा गर्म होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गति करती है, और हम सड़कों पर सोलर ऊर्जा से हम सड़कों पर लाइट भी लगा सकते हैं। और ये पवन चक्की का ज़्यादा इस्तेमाल पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र इलाकों में होता है। पवन चक्की भी बिजली उत्पाद करती है। थैंक यू सर। निषादा, मैं मारवाड़ इंटर कॉलेज से, और मैं और मेरे दोस्त ने आर्यन निषाद दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट को बनाया है। इसका नेम है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। किसान जो है खुद पे आत्मनिर्भर हो सकता है, जैसे कि इसमें होता है, इसमें इसके अंतर्गत आता है मुर्गी पालन आता है, पशुपालन, खेती भी आती है, मछली पालन। इसमें जीरो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि पशुपालन में, तो पशुपालन में इस उनके गोबर हुए तो उसको हम खाद के रूप में खेत में यूज कर सकते हैं, और मछलियाँ हैं, मुर्गी का जो वेस्ट पदार्थ होता है वो उसके ऊपर तालाब के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि जब मछली अपना मतलब वेस्ट पदार्थ जब छोड़े मुर्गी तो वो इसमें जाए तो मछली इसको खा लें, और मतलब मछली भी खाएं, और इसका जो पानी होगा इसमें हम खेत को चला के इसको मिनरल्स भी दे सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम तिवांशु सिंह है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा है। हम पापू इंटर कॉलेज सिटीगंज गोरखपुर से आए हैं। सर, मैंने ये का प्रोजेक्ट हम दोनों ने मिलकर बनाया है। ये समुद्र तटीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है। सब पृथ्वी पर पाए जाने वाली विविधता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये समुद्र तटीय क्षेत्र ये मुख्य रूप से भारत में तमिलनाडु और केरल के पास पाए जाते हैं। ये समुद्री इलाका है, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसका क्षेत्रफल 1,30,800 किलोमीटर स्क्वायर होता है। मैंग्रोव वन मुख्य रूप से दलदली और समुद्र के किनारे खारे पानी के पास पाए जाते हैं। ये आम पेड़ों के हिसाब से तुलना में छोटे होते हैं, और ये झाड़ी युक्त होते हैं। ये वन है, और ये ध्रुवीय इलाका को दर्शाया गया है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये पांडे और पेंगुइन से कुछ विश्व का सबसे बड़ा वन अमेजन वन है। मतलब उसको 20% वहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसे हृदय का फेफड़ा भी कहा जाए। तो ये पार्क है, और ये मरुस्थल है। मरुस्थल सर हमारे भारत में थार का मरुस्थल है, और एक तमिलनाडु में तो एक जिले के बराबर है। थार का मरुस्थल है वो 12 जिलों के बराबर में फैला हुआ है। तो जैव विविधता, ये हरा कलर इसलिए किया गया है ताकि जो पृथ्वी पर हरियाली है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है, और ये नीला समुद्र को दर्शाने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी पर 70% विविधता जो समुद्र में ही पाई जाती है। भारत जैव विविधता के मामले में चौथे स्थान पर है, एशिया में चौथे स्थान पर, और विश्व में 9वें स्थान पर है। सर, मतलब जैसे किसानों को मतलब ये तो होना चाहिए कि बारिश का पानी इसमें आता है, और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं वो मतलब यहाँ पे टैंकर है घर के नीचे, तो घर के नीचे मतलब टैंकर में जाके मतलब पानी स्टोर हो जाएगा बारिश का, और ये जो पानी हम अनेक कामों में यूज कर सकते हैं अनेक काम। और ये जो है स्मार्ट सिटी, और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी ऐसा होना चाहिए कि मतलब वर्षक्यूक आ रहा है वैसे भूकंप, तो ये मतलब जब हिलेगा तो अलार्म बजेगा, मतलब भूकंप आएगा तो बता देगा कि मतलब भूकंप आ रहा है। मेरा नाम चांदनी चंद है, मैं राजकीय हाई स्कूल रजिंग चंगा गोरखपुर की छात्रा हूँ। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। हमने ये महिला सुरक्षा उपकरण तैयार किया। आज महिलाओं की सुरक्षा आज हमारे समाज में बड़ी समस्याओं में से एक है।
महिलाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, इसलिए हमने महिला सुरक्षा उपकरण तैयार किया है। इसमें इसका डिवाइस इसकी चप्पल के अंदर फिट है। बोलो कहाँ फिट है? सर, इस चप्पल के अंदर फिट है। ये यहाँ से ऑन होता है, ऑन होते ही कोई भी हमारे साथ छेड़खानी करता है या कुछ भी तो हम इसे टच कर देते हैं। यहाँ से एक बिजली का झटका लगता है, ना कि उसे चौंका देगा बल्कि बिजली का झटका देकर उसे जमीन पे ला देगा। इससे हम सुरक्षित हो सकते हैं। मेरा नाम निशा निषाद है, मैं राजकीय हाई स्कूल मेरीचर गाँव गोरखपुर में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम रजिस्टर गाँव गोरखपुर, मैं उसमें पढ़ती हूँ। मैं एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री बनाई, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सर ये बिजली क्षेत्र केंद्र बिंदु है। इसे हम यहाँ से 45 का कोण बन रहा है, इसे जब हमारा आधार और कोण पता है तो हम बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। जैसे समतल दर्पण के माध्यम से इसका जो लेजर लाइट का जो प्रकाश है वो LDR पर पड़ता है, जैसे इसके बाद जैसे इसके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो लान लगता है। हाँ बस ऐसे जैसे इसके सामने कोई टच करेगा, जैसे इसके लेजर के सामने कोई आएगा LDR पर जब तक प्रकाश पड़ेगा तब तक ये अलार्म नहीं हो जाएगा। जैसे LDR पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाएगा तब अलार्म लगता है। मैम घर मंदिर बैंक लाकर कहीं भी बाग बगीचा कहीं भी लगा सकते हैं। सर मैं आलोक सिंह वी शिवाजी सरहरी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर हमने मॉडल बनाया है फायर स्मार्ट क्रॉप प्रोटेक्शन। सर जैसे हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत फसल उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा फसल उत्पादक देश है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों के लोग अधिकतम कृषि ही करते हैं, कृषि से उनकी जीविका चलती है। तो होता यह है कि रबी की फसलों में जब गर्मियों के सीजन में आग लग जाती है तो ग्रामीण लोग जान नहीं पाते हैं या किसी और वजह से आग को बुझा नहीं पाते हैं। तो हमने यह सिस्टम लगाया है, आग लगने पर सेंसर के द्वारा डिटेक्ट करके आग को पानी से बुझा दिया जाएगा। यस सर, वर्किंग मॉडल है। सर पानी गिर रहा है, हम यहाँ पर भीग सकता है, इसलिए हमने यस लगाया है। सर छिड़काव विधि से भी हो जाएगा, ये आसपास का इलाका कवर करेगा और एक यस सर सिंचाई में भी व्यवस्था कर देगा और आग गांव में भी फैल जाती है, तो गांव के लोगों और गांव के पालतू पशुओं को बहुत ज़्यादा हानि होती है। इससे जनधन की हानि होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए सरकार को फंड पास करना पड़ता है, तो इससे सरकार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। सर मैंने स्ट्रीट लाइट बनाया है। सर इसमें बैटरी से सोलर पैनल चार्ज नहीं है। सर इससे ये हुआ कि सोलर पैनल को चार्ज कर देंगे हम लोग, और गांव और शहर जैसे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे अभी अंधेरे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरे हैं, वहां पे अपराध भी हो जाते हैं और वाहनों के एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे हम लोग का ये फ़ायदा हुआ कि इसको हर गांव में लगाया जाएगा और शहरों में लगाया जाएगा, जिससे कि सोलर पैनल को चार्ज करके किसी बैटरी में स्टोर कर लेंगे उसकी ऊर्जा को, और फिर उस बैटरी से रात के समय में हम लोग लाइट को जलाएंगे और उससे गाड़ी के एक्सीडेंट कम हो जाएंगे और उससे थोड़ा दुर्घटना के चांसेस कम हो जाएंगे और अपराध बहुत सारे कम हो जाएंगे। सर मेरा नाम करण कुमार है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से आया हूँ। हमने बनाया, हमारा प्रोजेक्ट का नाम है एसिड रेन। ये जो भी वाहनें चलती हैं या फिर फैक्ट्रियों से जो भी धुएं निकलती हैं पॉल्यूशन कहलाते हैं, और HOSO2NO2 गैसें जो निकलती हैं वो जाकर वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, और जब प्रदूषित होती है तो SO4O3 गैसें निकलती है तो एसिड रेन के में बदल जाती है, और जो बारिश होती है या कि हमारे पेड़ पौधे या फिर ताजमहल को भी ये प्रदूषित किया और उसे नुकसान पहुंचता है, ताजमहल पीला पड़ गया एसिड रेन के कारण। मेरा नाम विनीत कुमार है, श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज मेरा स्कूल है। मेरी परियोजना है आपदा प्रबंधन। जैसे कि अगर बारिश का मानसून बन रहा है या फिर भूपटलों में कुछ हलचल हो रही है, भूकंप आने की संभावना है, यहाँ से अलार्म बजेगा, सबको अलर्ट किया जाएगा
कि सभी लोग सुरक्षित हो जाएं, तो सबकी सुरक्षा हो पाएगी। मेरा नाम श्रीराज यादव है, हम जनता इंटर कॉलेज से आए हैं। हम लोग यहाँ हाउस सिक्योरिटी गैजेट अलार्म बताए हैं। ये है पुलिस स्टेशन और ये फायर ब्रिगेड, ये किचन और ये हाउस। इस हाउस में अगर कोई चोर विदाउट परमिशन घुस जाए रात में, तो यहाँ पे अलार्म बज जाएगा पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में यहाँ पे अलार्म बज जाएगा और फिर उसके बाद पुलिस यहाँ पे यहाँ से जाके घर में उसका चोर को पकड़ेगी। और यहाँ पे किचन है, इसमें अगर आग लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड में पता चलेगा पकड़े पीछे। यहाँ पे सर आग लग जाएगा तो यहाँ पे अलार्म बज जाएगा। इसका देखिए अलार्म बज जाए, इसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड वाले आके अपना आग उस आग को बुझाएंगे। बस ये सर हेलीकॉप्टर जैसे ज़्यादा दूर जाना रहेगा तो हम हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हैं जल्दी पहुँचने के लिए। सर यहाँ जल्दी पहुँचेंगे तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे। ये झंडा सर पौधे को सर कीड़ा खाता है और कीड़ा और शेर खाता, तो ये हिरण खाता और हिरण को सर ये शेर खाता है। तो सर इस तरह सर एक व्यवस्थित ढंग से सर संरक्षण बनता है। सर मेरा नाम शालिनी है और इसका नाम अनानिका सिंह है। और मुरारी इंटर कॉलेज से हम लोग हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पर और हम लोग ने बनाया है ये मांसपेशी है और ये आर्गन्स है ये फेफड़ा है, ये लंग्स हैं और ये भी फेफड़ा है और ये हाँ ये डाइजेस्टर है और ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, लीवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये पेट की हड्डी है, ये भी हड्डी है और ये ब्रेन है सर। इन सब के पीछे तो वैसे हम लोग के सर का हाथ है जो कि ये है हमारे ज्ञान प्रताप सर। हाँ हमें है सर, बच्चों को बनाने के लिए दिया गया था सर और बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है सर। इस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आए हैं सब बच्चे और बड़े खुश भी हैं बच्चे कि हमको यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। सर गाँव के बच्चे हैं सर और इन्होंने बायोडाइवर्सिटी और मानव के अंदर की क्रियाओं के बारे में बताया है एक पोस्टर के माध्यम से, तो बच्चे काफी उत्साहित हैं सर। हम बोलेंगे, मेरा नाम है पारुल कुमारी, मैं बीएसबी इंटर कॉलेज से गुलाबजार गोरखपुर से हूँ। जैसे प्लास्टू माइक्रोस्कोप जैसे एक यंत्र होता है, तो माइक्रोस्कोप जैसे एक यंत्र होता है वो भी प्लास्टोस्कोप है, इसका नाम हम प्लास्टोस्कोप दिए है। जैसे तो जैसे कि सर ये हम लोग बनाते हैं तो एक पहले हम लोग सोचे कि क्यों ना इसे पीवीसी पाइप से बनाया जाए, तो फिर उसके बाद ये हम वो कैंसिल हो गया, बन नहीं पाया, तो हमने सोचा क्यों ना प्लास्टिक से बनाया जाए, इसे मॉडल को तैयार किया जाए, तो इसे प्लास्टिक से बनाए हैं। तो ये आईपीस और ये उत्तल लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और इसे घुमाने के लिए ये ऐसे जैसे उसमें घूमता है, रोटेट कर सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप में वो जो घुमाने वाला होता है वो घुमा सकते हैं, बॉटल को हम घुमा सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर संरचना बना के, तो हमारे दिमाग में एक माइक्रोस्कोप जब स्कूल में होगा तो हम कैसे बनाएंगे। कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज, सर वी आर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक सोप। सो एज वी नो सोप इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट द सोप व्हिच वी यूज इज फुल ऑफ केमिकल्स एंड ऑल, एंड वी हैव प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक होममेड सोप, सो व्हिच इज टोटली केमिकल फ्री एंड इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू आवर स्किन। थैंक यू सो मच सर, वी सॉलिडिफाई इट एंड इट इज रेडी। Yes, so we have prepared it just now. Thank you. कॉलेज का नाम इंटरमीडिएट कॉलेज कुशमाल गोरखपुर। सर हम पर्यावरण प्रदूषण को दर्शाए हैं। पर्यावरण प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं जो हम यहाँ पर दर्शाए हैं, प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण। हम यहाँ पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए मतलब वाटर को स्वच्छ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई का वाटर हम लोग भेजेंगे क्योंकि कचरा है, गंदा पानी है, इसलिए हम लोग सप्लाई वाटर भेज। वायु प्रदूषण में
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएंगे और कम इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक का, उतना ही हम लोग जितना कम इस्तेमाल हुआ खुद में खुद रुक जाएगा, क्योंकि जितना भी मांग रहेगा मार्केट में उतना ही अधिक हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम नेहा पांडे फ्रॉम ए डी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। सर मैं प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई हूँ। ये आइडिया सर वासुदेवन जी का था जो 2000 years स्टार्ट किया गया। सर इससे प्लास्टिक का भी यूज हो जा रहा है और पॉल्यूशन भी कम हो रही है इससे। अंशिका विश्वकर्मा है, मैं क्लास 9 में हूँ और मैं यहाँ पे आई, बहुत अच्छा लगा। मैं ये प्रोजेक्ट बनाई जो नहीं चैनल भगाने वाला यंत्र, जिसे इस यंत्र में कैल्शियम कार्बोनेट डाइऑक्साइड मिलाकर एसिटिलीन गैस बनता है। इस यंत्र में कैल्शियम कार्बोनेट डाइऑक्साइड मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनता है, जिससे हमारे खेत में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। पानी डालो, पानी आराम से आराम।